हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2023। एसएससी जीडी का थर्ड सुपर पेपर समाप्त हो चुका है, तो इसमें पूछे गए जीके, साइंस, हिंदी प्लस करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल और ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया ये प्रश्न है। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएगा, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी करके आप PDF ले सकते हैं। और अभी तक यदि आपका SSGD का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो SSGD का अभी तक का ऑल शिफ्ट का GK जिसका PDF इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी पैसे का। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको SSGD का ऑल शिफ्ट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे। लास्ट में हम लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पूरा एशिया का बात कर रहा है, ये भारत का नहीं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, इजी सवाल ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नी से संबंधित है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम नी से संबंधित है। दो दो मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा गया है, दो दो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए हम लोग उनको देखने का प्रयास करेंगे। गोवा 2022 का नया CM मुख्यमंत्री पूछा गया था गोवा का, तो प्रमोद सावंत, जन्म 24 अप्रैल 1973, एक भारतीय राजनीतिक और गोवा के 11वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है। कौन? प्रमोद सावंत जी, गोवा के। ठीक है, 11वें मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना ही एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल की थी, 1974 से 1978। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, ये सब सारा किस में है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पंचवर्षीय योजना से 2012 से 2017 किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो देखिए 2012 से 2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 12वीं अभी मतलब टोटल कितना पंचवर्षीय योजना हुआ था, 12, उसके बाद तो हो नहीं रहा। तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। तो इजी सवाल था ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप के मतलब किसके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, सांची का स्तूप किसके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, तो सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था, अशोक महान ने। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र सुंग जीर्णोद्वार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। ठीक है, तो पहले तो बनाए थे अशोक महान, और उसके बाद अग्निमित्र सुंग ने इसको मतलब कि बड़ा और विशाल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक त्रिपुरा का भी मुख्यमंत्री पूछा गया था कि त्रिपुरा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लव कुमार देव के पद से इस्तीफा देने के बाद मानिक शाह। पहले कौन थे, बिप्लव देव थे, लेकिन अभी वर्तमान पूछा गया होगा तो आप क्या बोलिएगा, मानिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द ढेर सारे शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज भी होता है, और अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर आदि, ये सब सारे किसके हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द। घूमर नीति पूछा गया था, घूमर नीति किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, तो देखिए यदि इस शिफ्ट का पेपर देखे आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इस शिफ्ट में हम लोग को बहुत कम प्रश्न मिल पाया है, आपको बाद में PDF में और प्रश्न मिलने के बाद में PDF में शामिल कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। बाकी आप इस शिफ्ट का पेपर देके आए हैं, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी अभी तक का SSGD का ऑल शिफ्ट का GK जैसे आपको फ्री में चाहिए PDF उसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। आइए हम लोग, एक स्टूडेंट बता रहे थे कि अनुच्छेद 32 से पूछा गया था, क्या था ये, संविधान का आत्मा कहा है, तब भीमराव अम्बेडकर ने कहा संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को, यदि ये ऑप्शन क्वेश्चन होगा तो ये आंसर हो जाएगा। एक स्टूडेंट बताते थे यक्षगान पूछा गया था कहाँ कहा है, तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, एक स्टूडेंट बताते मोहिनीअट्टम पूछा गया होगा केरल का होगा।
यदि आपको याद है इसके अतिरिक्त आप पेपर देके आए तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन बताइएगा। मैथ का आपको बता दें तो मैथ में आपको क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI कर लीजिएगा। ये सारा से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन कर लीजिएगा, इसे एक से दो क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ रहे हैं। LCM SCM भी कर ले, उससे भी एक एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में रहता है। आपको हम रीजनिंग का बताएं तो रीजनिंग में सबसे पहले तो आप कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए किसे आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डाइस, डाइस का सवाल इसमें पूछा गया था, थोड़ा लेंदी था, स्टूडेंट बता रहे थे, ब्लड रिलेशन, ये सब कर लीजिए। ऐसे एक एक क्वेश्चन इस सबसे पूछता है। कैलेंडर क्लॉक से किसी किसी शिफ्ट में, कैलेंडर क्लॉक किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछता है। कथन निष्कर्ष कर लीजिएगा, उससे भी एक एक नंबर क्वेश्चन पूछता है। बाकी यदि इस शिफ्ट का पेपर देके आ रहे हैं, इससे अतिरिक्त आपको क्वेश्चन याद है, प्लीज़ कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा। और नहीं तो आप क्वेश्चन बाद में मिलने के बाद आपको PDF में सारा शामिल कर दिया जाएगा। तो बाकी मेहनत पसंद है तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। इस शिफ्ट में स्टूडेंट हमें कम मिल पाए थे, क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो चलिए आशा करते हैं मेहनत पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।